हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक आपका चल रहा है वो कौन सा है? प्रॉफिट लॉस। फ्रेंड्स, ऐसा कि आप सभी लोग पढ़े होंगे तो सीक्वेंस वाइज सीरियल वाइज बहुत ही शानदार तरीके से ये टॉपिक आपका चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आपको शुरू से लेकर फ्रेंड्स अंत तक बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर देख रहे हैं, और फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, या वह मेज को 5% का मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मेज का कास्ट प्राइस पूछा गया है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत डाउट भी रहता है। ध्यान समझते हैं कि हमने पहले कास्ट प्राइस को कितना मान लिया फ्रेंड्स, 100। बहुत ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने सीपी को कितना मान लिया, 100। तेरा 10% लाभ पर बेचता है, यानी कितने में बेचता है, 110। ये एसपी फर्स्ट है, ये फ्रेंड्स क्या है, एसपी फर्स्ट है। यदि वह मेज को 5% का मूल्य पर खरीदता, 5% कम में खरीदता फ्रेंड्स, यानी कितने में खरीदता, 95। कितने में खरीदता, 95। खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर कैरा बेचता तो 20% का लाभ होता। तो अब फ्रेंड्स 20% का लाभ होता तो 95 का 120%, या ऐसे समझिए 20% का मतलब होता है 1/5। तो फ्रेंड्स अगर मैं 95 का 1/5 निकालूँ तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 से काटेंगे 5 करना 5 और 5 9 45, 19 5 95, 19 का लाभ होगा। इसका मतलब यही 20% का मतलब 1/5, 95 का 1/5 ओरल निकाल लेंगे कितना जाएगा फ्रेंड्स, 19। अब 95 में फ्रेंड्स 19 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 9 5 14, 14 की 4 1 आ गया, और कितना आ गया, 9 1 10 11, 114, यानी एसपी सेकंड कितना आ गया आपका, 114, यानी पहले 110 में बेचा जा रहा था, अब 114। मेरा लाभ फ्रेंड्स कितने का आया, 4 का, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 80। क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स, 80 दिया गया है। तो मेज का लागत मूल्य यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो 100% बनाने के लिए फ्रेंड्स दोनों तरफ क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 4 100 और 25 8 200, यानी कितना जाएगा फ्रेंड्स, 2000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2000 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो बहुत शानदार क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप कभी आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ और वो दिखाता हूँ। क्वेश्चन जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग फ्रेंड्स खुद से बनाने का प्रयास किया करिए। सबसे पहले आप लोग फ्रेंड्स खुद से बनाएंगे, खुद से करने का प्रयास करिए, उसके बाद फिर हम लोग हमारा फिर आगे सोल्यूशन देखा करिए कि सर कैसे बता रहे हैं। क्लियर? अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा, तो हमने मान लिया कि सामान कितने खरीदा, 100। कह रहा है और 5% की हानि पर बेच दिया, 5% की हानि पे बेच दिया 95, ये एसपी फर्स्ट है, ठीक है, 5% हानि बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम में खरीदता, यानी जो सीपी सेकंड है वो कितना हो जाएगा, 10% कम में खरीदेगा तो 90 में इसको मान लेते हैं कि ये सीपी फर्स्ट था, ये सीपी सेकंड था, सीपी सेकंड था, और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 30% का लाभ होता। अब देखिए फ्रेंड्स, 30% का लाभ हुआ है तो इसका मतलब 90 का अगर मैं 30% निकालूँ तो 9 3 27 का लाभ हो जाएगा। 90 का 30% निकालेंगे कितना जाएगा, 9 3 27, तो 90 में 20 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, 110, यानी 117, कितना आ गया, 117। तो 95 से 117 का सफर कितने का आ जाएगा, 22 का। फ्रेंड्स मेरा 22 आया, लेकिन क्वेश्चन में लाभ कितना दिया है, 33 का। आपसे क्या पूछा गया है, तो फ्रेंड्स लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछा गया है, तो एक की निकाल लेंगे कितना जाएगा, 33/20। देखिए कैलकुलेशन करने का बहुत तरीका है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे 11 से भाग करके 50 से गुणा कर दें तो भी आ जाएगा, तो करना आपके ऊपर है, और इनटू 100 कर दे रहे हैं, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्लियर है? सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, 20। तो 11 × 22, 11 × 33, 2 से काटेंगे, 2 × 5 कितना आ जाएगा, 2 × 5 10, यानी 5 × 3 कितना आ गया फ्रेंड्स, 15, यानी 150। तो सामान का लागत मूल्य कितना आ गया, 150 रुपये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? तो आई होप कि फ्रेंड्स अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से कभी मिस्टेक नहीं होगा। क्लियर है?
तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पर बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, जैसा कि फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर देखिए, फ्रेंड्स मैं सीक्वेंस वाइज सारी चीजों को हर एक टाइप क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है? आपका एक भी टाइप फ्रेंड्स मिस नहीं हुआ है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि सीपी पहले कितना था 100, कह रहा 25% लाभ पर बेचा जाता है, सॉरी 20% लाभ पर बेचा जाता है, कितना आ गया 120। यदि इसे 25% लाभ पर बेचा गया होता यानी 125 पे, तो कह रहा 35 अधिक मिलते, तो यहाँ फ्रेंड्स कितना ज्यादा मिल रहा है 5। मेरा 5% आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 35, यही। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है यानी 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 20 से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ फ्रेंड्स 20 से गुणा कर देंगे तो यानी 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी 35 × 70, 10 बच रहा है वो भी चुका दी, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। बहुत सारे बच्चे 1% की भी वैल्यू निकाल के 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यानी 5 × 35 1% की वैल्यू 7 आएगी, दोनों तरफ 2 लगा देंगे। या बहुत सारे बच्चे 20 से गुणा कर देंगे 100% बनाएंगे, कितना जाएगा 700। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, अगर आपको एग्जाम नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट करना है। देखिए 20% का लाभ है फिर 25% का, तो यहाँ से यहाँ तक का सफर कितने का है 5%, 5% की वैल्यू कितना दिया है 35, 1% की वैल्यू 7, तो दोनों तरफ 2 लगा देंगे। क्लियर है ये बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, क्या कह रहा है 10% हानि पर बेची जाती है, यदि वह 9 रुपए अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का कह रहा है लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा है फ्रेंड्स? उस वस्तु पर कास्ट प्राइस कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स क्या करेंगे। देखिए कह रहा 10% की हानि, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कह रहा 10% की हानि हुई फिर कह रहा 12.5% का लाभ, यही कह रहा है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा, तो -10 से 12.5 के बीच का अंतर लेंगे, तो अंतर लेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 22.5% मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 9, तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूँ तो 1 कट जाएगा, यही आपसे कह रहा उस वस्तु का सीपी यानी 100% की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। क्लियर? तो 1% की फ्रेंड्स वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 90/2 कितना आ जाएगा 225, 100% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, 25 से काटेंगे 25 × 9 = 225, 25 × 100 9 × 10 = 90, 10 × 40 यानी कास्ट प्राइस फ्रेंड्स कितना आ गया 40 रुपए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर है कितना आ गया 40 रुपए ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि बातें आप लोग समझ गए होंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे। क्लियर? कर लेंगे कि नहीं, तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है राम ने 2 वस्तुएं पी तथा क्यू को 3000 रुपए में खरीदा, उसने पी को 30% लाभ तथा क्यू को 20% हानि पर बेचा, इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 5% का लाभ हुआ, तो पी का क्रय मूल्य क्या था ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब एक ध्यान, हमने एक बात बताया फ्रेंड्स, जब 2 डाटा दिया रहे उसका एक कंबाइंड डाटा दिया रहे तो वहाँ एलिगेशन लगता है। क्या लगता है फ्रेंड्स? एलिगेशन लगता है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, 2 वस्तुएं हैं, कौन है पी और क्यू, यही 2 वस्तुएं क्या है फ्रेंड्स पी और क्यू है। एक पे कह रहा 30% का लाभ होता है, मैं पूरा कंफ्यूजन ना हो पूरा लिख दे रहा हूँ 130, 20% की हानि पे बेचा जाता है 80, और कह रहा है इस प्रकार अपनी लागत पर दोनों को मिला के 5% का लाभ होता है यानी 105। क्लियर? इन दोनों के बीच का ले लेंगे डिफरेंस, 105 और 80 के बीच का डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स कितना जाएगा 25, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो भी कितना जाएगा 25, यानी 1:1 एक। अब 3000 में खरीदी गई है तो पी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो पी का मूल्य कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1500 इसका भी आ जाएगा, और क्यू का भी कितना आ जाएगा 1500। क्लियर?
वास्तव में। तो फ्रेंड्स आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग चुटकी वो बजाते यानी क्वेश्चन देखते ही कर लेंगे। क्लियर हो गई बात तो कैसे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लल्लू लाल ने दो वस्तुएं ए तथा बी 8000 रुपए में खरीदी। क्या कह रहा है 8000 रुपए में खरीदी। उसके बाद कह रहा है उसने ए को 50% लाभ तथा बी को 46% हानि पर बेचा। 46% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसने अपनी लागत पर 10% की हानि हुई तो बी का क्रय मूल्य क्या है ये आप लोगों से कह रहा है। ये आप लोगों से फ्रेंड्स कह रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स लल्लू लाल ने दो वस्तुएं ए तथा बी 8000 रुपए में खरीदी। उसने ए को 50% लाभ दे। देखिए ए को 50% लाभ दे ए बी तो यानी कितना हो जाएगा 150। 46% हानि पर बेचा है। कितने पर बेचा है फ्रेंड्स 46% हानि पर बेचा है तो इसका मतलब कितना बचेगा 54% हो जाएगा। 46% हानि को बेचा है। इस प्रकार उसने अपनी लागत पर 10% का हानि हुआ यानी 90। इनके बीच का डिफरेंस रहेंगे तो फ्रेंड्स डिफरेंस रहेंगे तो यहाँ से आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3 यानी कितना आ गया 36। 150 और 90 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड 60। तो देखिए इसको काट देंगे। किससे काटेंगे फ्रेंड 6 से काटते हैं 6 6 36 6 10 7। 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 3 6 3 अनुपात कितना आ गया 5। अब 8000 में खरीदी गई है 5 3 8 की वैल्यू 8000 तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी 3000 5000। इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है किसका पूछा था बी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 5000। क्लियर हो गई बात तो आई होप फ्रेंड्स अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे। क्लियर कर लेंगे कि नहीं तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है तो फ्रेंड्स बहुत ध्यान समझते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स मजा आ रहा है कि नहीं आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हर एक टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगला कह रहा है कि अब हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स बेईमान दुकानदार। कहाँ चलेंगे फ्रेंड्स बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट सेलर। क्या है फ्रेंड्स डिसऑनेस्ट सेलर। अब ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स दुकानदार बेईमानी कैसे करता है तो आप सभी लोग अब समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान विक्रेता अपने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम वजन के बाट का इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आप लोगों से पूछा गया। तो फ्रेंड्स आप लोग समझते हैं जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी के साथ जाते हैं और दुकानदार के यहाँ तो वो दुकानदार कहता है कि मैं जितने में खरीद के लाया उतने में ही दे रहा हूँ लेकिन वो क्या करता है फ्रेंड्स वो चोरी कर लेता है। वो तौलने में क्या करता है 1 किलो देने के बजाय 900 ग्राम में तोलेगा यानी दुकानदार उधर से लाभ कमा लेगा। क्लियर है तो इस फिराक में मत रहना कि वो अपनी दुकान है यानी अपने पापा की पहचान की दुकान है तो वहाँ पे मूल्य कम हो जाएगा। क्लियर है इस बात का ध्यान रहे दुकानदार बेईमानी कर ही लेता है। तो सेम ऐसे है देखिए एक दुकानदार अपने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है ठीक है तो यानी 1000 उसको 1000 के बदले कितना देता है 875 ग्राम। ठीक है तो अब यहाँ ध्यान से देखें फ्रेंड्स 1000 देना था दुकानदार। अब दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस क्या होगा फ्रेंड्स 875 होगा। क्या होगा अब दुकानदार तो इतना ही दिया तो अब इतने पे वो लाभ देखेगा और दुकानदार को फ्रेंड्स लाभ कितने का हो गया तो 875 में 25 जोड़ देंगे 900 यानी 1000 यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 125 ग्राम। 125 ग्राम का फायदा कमा लिया। कितने का फ्रेंड्स 125 ग्राम का फायदा कमा लिया कितने पे 875 पे तो 125/875 क्लियर है फ्रेंड्स। अब दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस ये हो जाएगा जितने पे वो दिया है इस बात का ध्यान रहे। तो फ्रेंड्स किससे काट देते हैं इसको 25 से काट देते हैं तो 25 से काटते हैं 25 × 125 25 × 75 25 में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 75 हो जाएगा तो यानी 125 25 × 75 यही हो जाएगा 87/75 कटाएंगे 7 में 5 या 2 1 बार आएगा तो यानी 25/75 या 25/125 क्लियर है। 5 से काटेंगे 5 सत्ते
3500 बटे 7 14/98 यानी 14.2% का क्या हो गया दुकानदार को लाभ। तो डिसहार्मनी सेलर में हमेशा दुकानदार को फ्रेंड्स लाभ ही होता है, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है, वो दुकानदार को लाभ होना ही होना है, यानी कितने का लाभ हो गया 14.2% का। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स जो है आपसे कह रहा है कि एक व्यापारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। इस बार फ्रेंड्स दोनों बार 10% का धोखा देता है, तो तदनुसार उसके लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आप लोगों से कह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही सही क्या होना चाहिए। कह रहा है एक हमने मान लिया कि कितना है 1000 kg। क्लियर, आपसे कह रहा है कि वह व्यापारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते समय बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। तो जब 10% का धोखा देगा, 1000 का 10% 100 निकालेंगे तो कितना जाएगा 1100 बेचा, 10% का खरीदते समय धोखा दिया 900। अब यहाँ पे फ्रेंड्स लाभ कितने का होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 200 का। अब दुकानदार लाभ कितने पे देखेगा 900 और इनको 100। क्लियर, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स 200/9 यानी 9 × 18 = 20 22.22% फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। लेकिन बुक में कहीं कहीं 21% देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, 21% देखने को मिलता है, तो इस बात का ध्यान देना, तो वो बिल वाले केस में होता है, लेकिन इस केस में 22.22% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।